आज मैं आपकी दोस्त आपको बताऊंगी कि कैसे आप अपनी वाइफ्स को खुश कर सकते हैं। जाता है कि लव मैरिज के अंदर दोनों ही पार्टनर एक दूसरे को काफी अच्छी तरीके से जानते हैं, जिसकी वजह से शादी होने के बाद एक दूसरे की इच्छाओं को पूरा करने के लिए और एक दूसरे को खुश करने के लिए उन्हें ज्यादा एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते, क्योंकि वो पहले से ही एक दूसरे की पसंद और नापसंद को जानते हैं। लेकिन जब यही बात हम अरेंज मैरिज के बारे में करते हैं तो थोड़ी परेशानी हो सकती है, क्योंकि दोनों ही पार्टनर्स को ज्यादा बात करने का, एक दूसरे को समझने का अमूमन टाइम नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से काफी मनमुटाव भी हो सकते हैं, स्पेशली पतियों के लिए। इसीलिए यदि आपको भी अपनी पार्टनर की पसंद और नापसंद के बारे में नहीं पता है तो आज की मेरी ये वीडियो उन्हीं हस्बैंड्स के लिए है। नंबर वन, अपनी वाइफ को कभी कभार खाना बनाकर जरूर खिलाएं। जी हाँ, यदि आप अपनी पत्नी को खुश करना चाहते हैं तो जरूरी है कि आप उन्हें कभी कभी अपने हाथों का खाना बनाकर खिलाएं। ऐसा करने से उन्हें आप पर प्यार भी आएगा और आपका रिश्ता भी काफी मजबूत बनेगा। लेकिन इस बात का ध्यान हमेशा रखें कि खाना उन्हीं की पसंद का हो। नंबर टू, फ्लावर्स यानी कि फूलों को गिफ्ट करें। गर्ल्स को या फिर लड़कियों को फ्लावर्स और फूल बहुत ही ज्यादा पसंद होते हैं, इसीलिए अपनी वाइफ्स को फूल उपहार में जरूर दें। ऐसा करने से उनका मन खुश रहेगा। टिप नंबर थ्री, अपनी पत्नियों को हंसाएं। हमेशा उनकी लाइफ में उन्हें रोमांचक जोक सुनाएं, नई नई बातें सुनाएं, जिसकी वजह से उन्हें हंसी आए, मुस्कुराने का मौका मिले। ध्यान रखिए कि आपकी पत्नियां 2400 घंटे आपका ख्याल रखती हैं, आपके घर को संभालती हैं, जिसकी वजह से कई बार उन्हें स्ट्रेस भी हो जाता है। यदि आप अपनी पत्नियों को थोड़ा सा हंसाएंगे तो ऐसा करने से आपका रिश्ता मजबूत होगा और उनका तनाव भी कम हो जाएगा। नंबर फोर, घरेलू कामों में अपनी पत्नियों की मदद करें। जी हाँ, घरेलू काम जैसे कि साफ सफाई या फिर बच्चों को पढ़ाने जैसे कामों में अपनी पत्नियों को मदद करें। कई बार अकेले काम करते करते पत्नियों को गुस्सा आने लगता है, लेकिन क्या करें, काम तो काम है, इसीलिए वो किसी से भी कुछ नहीं कहती। इसीलिए यदि आप उनकी थोड़ी मदद करेंगे तो ऐसा करने से उनका बोझ भी कम हो जाएगा और आपके लिए भी काफी अच्छा रहेगा। नंबर सिक्स, तोहफे दें यानी कि प्रेजेंट गिफ्ट करें। यदि आप अपनी पत्नी को कभी कभी बिना वजह भी गिफ्ट देंगे तो ऐसा करने से उनका मन प्रसन्न रहेगा। उनके मन में ये भाव हमेशा आते रहेंगे कि आपके दिल में उनकी जगह पहले की तरह ही बनी हुई है। नंबर सेवन, गाना गाएं। जी हाँ, बेशक आप बाथरूम सिंगर क्यों ना हो, लेकिन अपनी बीवी के लिए गाना गाने में आपको बिल्कुल भी झिझकना नहीं चाहिए। इसीलिए अपनी बीवी के लिए हमेशा कोई ना कोई रोमांटिक सॉन्ग गुनगुनाते रहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको 100% अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। सो फ्रेंड्स, ये थे वो ऐसे टिप्स जिन्हें आजमा कर हस्बैंड्स अपनी वाइफ को खुश कर सकते हैं। इन सारे टिप्स को आजमाइए और अपने व्यूज को हमारे साथ शेयर करिए। मेरी ब्यूटी और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए YouTube पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।